मोतीनगर के बसई दारापुर इलाके में फबतियां कसने का विरोध करने पर लड़की के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि उसके भाई पर जानलेवा हमला किया गया, जो अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। फिलहाल इस मामले में पड़ोस में ही रहने वाले दो नाबालिग सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार रात राजू त्यागी अपनी बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल से दिखाकर अपने घर वापस पहुंचे तो पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़कों ने राजू त्यागी की बेटी पर फब्तियां कसी, तो वे घर आकर दोबारा उन लड़कों के सामने गए तो लड़कों ने उन पर पत्थर और चाकुओं से हमला कर दिया। लेकिन अनमोल और उसकी बहन ने अपने पिता को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने अनमोल को भी चाकू मार दिया, और जब दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो राजू त्यागी की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अनमोल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उनको विश्वास नहीं हो रहा कि बस मामूली सी बात पर ये खूनी जंग हो गई, और उस वक्त कई लोग वहाँ मौजूद थे लेकिन किसी ने भी उन दोनों को नहीं बचाया। सब थे वहाँ पे, उसकी मॉम भी थी लड़के की बहन वाइफ, दो लड़के थे उसके, शायद पापा भी थे वहाँ पे, सब थे उनकी फैमिली के। संतोष जी क्या हुआ था, क्या पता जब भी तुमने अपने बाल बता मेरे बाल में अभी दो रेस्ट होम में बैठा वो वो लेडी जगह से क्यों बैठा ये राजू जी कहां से आए देख सकते हो बता दो सच्चाई है वो बता लड़की को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इमरजेंसी में दिखा के लाए थे जब वो वहां से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने सीटी मारी ये गली में रहता है इसको पिछले वाली गली में रहता है गंदी गंदी कमेंट्स पास कर और बालों में पीछे से हाथ मारा वो लड़की को तो घर छोड़ के वापस गए वही समझाने के लिए गए हो तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो ये थोड़ी पता कि चाकू लिए बैठे वो उनके पापा मम्मी के पास लेके गए थे इस बात के लिए कि देखो अपने बच्चों को समझाओ समझाओ अपने बच्चों को ऐसे हम भी यहीं रहते हैं आप भी यहीं रहते हैं माँ बाप ने बोला कि मारो धर धर चाकू मार बता पकड़ो आना आवाज आई रात में जैसे शोर मचा तो सारे चले गए उनकी वाइफ भी दो लड़की भी लड़का फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चार लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है जिसमें से दो नाबालिग हैं। दिल्ली से पंजाब केसरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी दिल्ली के साथ। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली से जुड़ी पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी दिल्ली।